हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ एक इंस्टेंट ग्लो होम फेशियल किट के रिव्यू प्लस डेमो दिखाने के लिए, क्योंकि अभी चल रहे फेस्टिव सीजन, लेकिन हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि पार्लर जाके एक फेशियल ट्रीटमेंट कराऊँ। लेकिन वो ग्लो अगर घर बैठे बैठे बस 149 रुपीज़ में मिल जाए तो कैसी रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्रोडक्ट क्या है। आज का प्रोडक्ट है एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट और वो है फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो होम फेशियल किट। देख लीजिए ऐसे कार्डबोर्ड के पैकेजिंग में आए हैं। सेम फेयर एंड लवली के जो कंटेनर आते हैं उसका जो पैकेजिंग है वो सेम पैकेजिंग इसका ही है। ये पिंक और वाइट के कॉम्बिनेशन में बहुत ही अच्छा दिख रहा है और ऊपर में लिखा है कि नो ब्लीच, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, रिवल्स इंस्टेंट ग्लो। फेयर एंड लवली यूज़ करने से इंस्टेंट ग्लो मिल जाते हैं ये तो हम सबको पता है। तो ये फेशियल किट कैसा है आज मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए पैकेट को ओपन करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट है। हाँ, तो इसके अंदर दिया है नंबर 1 इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश विथ स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट। देख लीजिए ऐसे ट्यूब पे दिया है। नंबर 2 है इंस्टेंट ग्लो स्क्रब विथ वॉलनट शेल पाउडर। हर एक चीज स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। नंबर थ्री फेयर एंड लवली इंस्टेंट ग्लो मसाज क्रीम विथ प्रो विटामिन B3। विटामिन B3 भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए। नंबर 4 इंस्टेंट ग्लो पैक विथ क्ले। देख लीजिए क्ले तो हमारे स्किन से ऑयल हटाने में मदद करते हैं, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है हमारे स्किन के लिए। और नंबर 5 है इंस्टेंट ग्लो मॉइस्चराइजर विथ व्हीट जर्म ऑयल। देखिए तो 2 सैशे मिल रहे हैं और 3 छोटे छोटे ट्यूब मिल रहे हैं। और क्वांटिटी कितना दिया है, फर्स्ट ग्लो फेस वॉश दिया है 8 ग्राम, स्क्रब 8 ग्राम, इंस्टेंट ग्लो फेस पैक 8 ग्राम, स्किन क्रीम 8 ग्राम और मॉइस्चराइजर दिया है 5 ग्राम। तो 149 रुपीस में इतना अच्छा एक फेशियल किट मिल रहे हैं और इंस्टेंट ग्लो घर बैठे बैठे मिल जाएगी, तो ये एक बार ज़रूर यूज़ करना चाहिए ना। तो चलिए बिना बकबक के अभी यूज़ शुरू कर देते हैं। फर्स्ट मैं यूज़ करूँगी फेस वॉश नंबर 1 इंस्टेंट ग्लो फेस वॉश। देख लीजिए मैंने ले लिया है फेस वॉश और अभी स्किन के ऊपर डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करूंगी और 1 मिनट बाद नॉर्मल वाटर से इसको वॉश कर लूंगी। हाँ, आप वर्ड्स में कीजिए और क्रिस क्रॉस में कीजिए। तो चलिए अभी स्किन को वॉश करके आके आप लोगों को दिखाती हूँ। फेस को वॉश करके मैं आ गई हूँ और देख लीजिए एक वॉश में कितना अच्छा पिंकिश एक ग्लो आ गए है ना। तो अभी इसको रब कर लेती हूँ। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात, इसको मैंने एक बार यूज़ कर लिया है लेकिन मेरे हिसाब से और 2 बार आराम से हो जाएंगे। तो अभी नंबर 2 इंस्टेंट ग्लो स्क्रब इसको यूज़ करेंगे। को भी मैंने इतना क्वांटिटी में ले लिया है और अभी अपवर्ड्स में फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छा आ रहे हैं, क्योंकि फेस वॉश के जो फ्रेग्रेंस थे वो पुराना, क्योंकि फेयर एंड लवली फेस वॉश का जैसा फ्रेग्रेंस आते हैं सेम, लेकिन ये एकदम नया और बहुत ही अच्छा एक फ्रेग्रेंस आ रहे है। ऐसे अपवर्ड्स में एंड क्रिस क्रॉस में कीजिए आई साइट को छोड़ के। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या फिर ड्राई है
या फिर ऑयली है तो आप लोग 5 मिनट तक इसको स्क्रब कीजिए, अगर सेंसिटिव है तो बस 1 मिनट स्क्रब कीजिए। ऐसे क्रिस क्रॉस में कीजिए। तो 5 मिनट हो गए हैं, चलिए इसको अभी वॉश कर लेती हूँ। तो मैंने स्क्रबर को वॉश करके आ गई हूँ, देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्रीमी फॉर्मुलेशन है, एकदम भी हार्श नहीं है स्किन के लिए, बहुत ही अच्छा एक फ्रेग्रेंस है जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आए हैं। और देखिए मेरे स्किन कितना ज़्यादा चमक रहा है। और अभी मैं यूज़ करूँगी नंबर 3 इंस्टेंट ग्लो मसाज क्रीम विथ प्रो विटामिन B3। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ। तो अभी इंस्टेंट ग्लो मसाज क्रीम को कट कर लेती हूँ क्योंकि ये सैशे पैक में आए हैं, ये भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इतना नहीं चाहिए, जितना आपको चाहिए उतना यूज़ कीजिए, बाकी फ्रिज में रख दीजिए। और मसाज क्रीम को 10 से 15 मिनट तक स्किन में बहुत ही अच्छे से मसाज कीजिए, क्योंकि स्क्रबिंग करने के टाइम में हमारे डेड सेल्स पूरा के पूरा रिमूव हो जाते हैं और हमारी स्किन बहुत ही अच्छा एक फ्रेश फील हो जाते हैं, तो उस टाइम में मसाज क्रीम लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा मिल जाते हैं। चलिए मसाज क्रीम को 10 से 15 मिनट तक मसाज कर लीजिए। ऐसे अपवर्ड्स में कीजिए, क्रिस क्रॉस में कीजिए। और फिंगर टिप के मदद से मसाज कीजिए, जितना हो सकता है हल्का हाथों से मसाज कीजिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है फेशियल के। ऐसे क्रिस क्रॉस में कीजिए। तो देख लीजिए 15 मिनट हो गए हैं और मैंने मसाज क्रीम को बहुत ही अच्छे से मसाज करके स्किन के अंदर एकदम एब्जॉर्ब हो गए हैं। तो अभी इसको ऐसे रहने देंगे और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे फेस पैक। मसाज क्रीम को वॉश मत कीजिए, इसके ऊपर ही हम लोग अप्लाई करेंगे इंस्टेंट ग्लो पैक विथ क्ले। इसको ये पूरा के पूरा क्रीमी टेक्सचर है, तो थोड़ा सा क्वांटिटी में ले लीजिए और ऐसे फिंगर टिप के मदद से पूरा फेस पे अप्लाई कर लीजिए। देख लीजिए बहुत ही कम क्वांटिटी में लगते हैं और मैंने मेरे पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है, बस आई साइड को छोड़ के। और अभी ऐसे 15 मिनट इसको रखिए, 15 मिनट बाद इसको वॉश कर लेंगे। तो 15 मिनट बस वेट कीजिए, ऐसे गाना सुनिए या फिर कुछ भी कीजिए, लेकिन हाँ धूप में मत जाइए और किचन में मत जाइए। 10 मिनट हो गए हैं और इस टाइम में एक बार फिर से फिंगर टिप के मदद से इसको रब कर दीजिए। ऐसे इससे ना मेरे हिसाब से ग्लो ज्यादा मिल जाते हैं, ऐसे इस टाइम में। ऐसे और अभी बस 5 मिनट वेट कीजिए। 15 मिनट हो गए हैं और पैक हमारा पूरा के पूरा ड्राई हो गए हैं, तो अभी इसको नॉर्मल वाटर से धो के आके आप लोगों को दिखाती हूँ। देख लीजिए मैंने फेस को वॉश करके आ गई हूँ और सच में जितना भी पॉल्यूशन, जितना भी ऑयल, एक्सेस ऑयल थी मेरे स्किन में, वो सारे के सारे पूरा के पूरा गायब हो गए हैं और इंस्टेंट टैन रिमूव भी हो जाते हैं ये फेशियल किट यूज़ करने से। ये सारे बातें तो लिखा नहीं था, हाँ सच है, लेकिन मैंने एक बार यूज़ किया उसके बाद ही रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो इसके मैं ड्राई कर लेती हूँ।
अगर आप लोगों के पास एकदम टाइम कम है, बस 30 मिनट है, तो ये फेशियल कर लीजिए तो इंस्टेंट टैन रिमूव हो जाएगी। साथ ही साथ ऑयलीनेस का जो प्रॉब्लम रहते हैं, चेहरा डल दिखने का जो प्रॉब्लम रहते हैं, वो सारे के सारे प्रॉब्लम एक बार यूज़ करने से सॉल्व हो जाएगी। तो अभी बारी है लास्ट स्टेप, वो है इंस्टेंट ग्लो मॉइस्चराइजर। तो चलिए अभी इसको अप्लाई कर लेते हैं। मॉइस्चराइजर की सैशे है लेकिन पूरा के पूरा नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ा क्वांटिटी में ले लीजिए और स्किन में अप्लाई कर लीजिए। बाकी जितना भी प्रोडक्ट बच गए हैं उसको फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद यूज़ कीजिए, बाहर में मत रखिए, क्योंकि सैशे ये कट कर चुकी हूँ तो फ्रिज में रखिए, वो खराब नहीं होगी। देख लीजिए मैंने इंस्टेंट ग्लो मॉइस्चराइजर यूज़ कर लिया है। हाँ, स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए है और बहुत ही अच्छे से चमक रहे हैं, वो तो आप लोगों के सामने ही है। तो यही रही मेरी आज की छोटा सा ग्लो होम फेशियल किट के रिव्यू। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कोई भी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो आगे मैं वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।